घरों में किचन की रानी महिलाओं को कहा जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब महिलाएं छोड़कर पुरुष ही ज़्यादातर सब्जियां लेने निकल रहे हैं। जिस वक्त सब्जी दुकान में मौजूद हो यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर पुरुष ही यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं। वजह यह है कि ज़्यादातर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, खासकर कई सब्जियां तो ऐसी जिनके दाम 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा हो गए। जैसे टमाटर की बात कर लें, शिमला मिर्च की बात कर लें, बरबट्टी की बात कर लें, ये तमाम सब्जियां हैं जिनके दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। बाकी सब्जियों की बात करें तो उनके दाम भी लगभग 50 रुपये 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। लोगों से बात करते क्या कहेंगे, बताइए आप लोग सब्जी लेने निकले आज महिलाएँ नहीं आई। सर सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं सर, पहले हम लोग बड़ा बड़ा थैला लेके आते थे, अब पॉलिथीन में लेके जा रहे हैं। महिलाएं भेजते थे घर की गृहणियों को, अब आप खुद आ रहे हैं लेने? खुद आ रहे हैं सर हम लोग लेने के लिए सर, महिलाएं सर अब आ नहीं पा रही सर, उतना बजट नहीं उनके हाथ में अब। जी जी बिल्कुल। तो और लोगों से बात करते हैं, भाई साहब क्या कहेंगे बताइए सर, आप सब्जी लेने पुरुष लोग आप लोग आ रहे हैं महंगाई की वजह से ही है कि और कुछ वजह है कि दाम इतने बढ़ गए हैं सबके? दोनों चीज़ें हैं, एक तो महिलाएं को वक्त नहीं मिलता और चीज़ें इतनी हैं। पहले ये था कि सब्जियाँ इतनी महंगी नहीं थी, ये भी ले आओ वो भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं थी, अब सोचना पड़ता है क्या लेना है क्या नहीं। इतने टमाटर के दाम, शिमला मिर्च के दाम 100 रुपये किलो ऊपर हो गए, क्या कुछ कहेंगे? अब इसमें तो बोलना क्या है, जब जहाँ टमाटर की ज़रूरत है वहाँ तो हमें लेना ही पड़ेगा। टमाटर के बिना तो सब्जी बन नहीं सकती, स्वाद आता नहीं है। सर पहले सर टमाटर हम लोग 5 किलो लेके जाते थे 10 रुपये किलो, अब आधा किलो लेके जा रहे हैं 120 रुपये किलो टमाटर। टमाटर आपको बता दूं लगातार कई दिनों से 100 रुपये से किलो से ज़्यादा बना हुआ है, क्या कहेंगे आप लोग सब्जी खरीदने आप लोग आ रहे हैं, पुरुषों को निकलना पड़ रहा है सब्जी खरीदने? अब वो बजट के अनुसार खरीदी करनी पड़ती है सर, पॉकेट में देखना पड़ता है, महिलाओं को पता नहीं रहता है, वो लोग लेके आ जाते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही मतलब? दिक्कतें तो है सर, जो भी सामान महंगा होता है तो दिक्कतें तो होती है, बजट गड़बड़ाता है। दुकानदार से भी बात कर लेते हैं, भैया कौन कौन सी सब्जियों के दाम जो है 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है थोड़ा बताएंगे? भैया पानी के कारण जो फसल ख़राब हुआ है और आवक में थोड़ी सी घटौती हो, तो अभी बरबट्टी है, शिमला है, मुनगा है, फ्रेंच बीन्स है, सब 100 रुपये के आसपास ही चल रहे हैं। बाकी सब्जियों के दाम कितने हैं? 50-60 रुपये वो भी बढ़े हुए हैं लगभग? हाँ वो भी बढ़े, जैसे भिंडी 40-30 रुपये रहता है, वो भी 60-70 रुपये भिंडी है, भाटा हमेशा 30 रुपये से ऊपर रहता नहीं, 60 रुपये किलो है भाटा भी। दुकानदार भी हैं जो बता रहे हैं कि सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, और जैसा कि आप जिस दुकान में मौजूद हैं यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा मैं पहले कह रहा था कि सब्जियां खरीदना ज़्यादातर पहले महिलाएं आती थी, लेकिन सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पुरुषों को अब निकलना पड़ रहा है सब्जी खरीदने के लिए। चारों तरफ दुकान में मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़र घुमाएंगे तो कहीं कोई महिला खरीदार नज़र नहीं आएगी, सिर्फ पुरुष ही पुरुष नज़र आएंगे, और इससे समझा जा सकता है कि सब्जियों के दाम जो बढ़े हैं उससे महंगाई जो बढ़ी है उससे लोगों के बजट पर कितना असर पड़ रहा है, और यही वजह है कि अब इनको अपने जेब के हिसाब से आके खरीदारी करनी पड़ रही है। बरसात के कारण आवक कमजोर है और फिलहाल स्थिति पोजिशन ऐसी है कि अभी टमाटर हमारे पास बेंगलुरु से आ रहा है, टमाटर का प्रोडक्शन इस बार बहुत ही कमजोर है और डिमांड ज़्यादा है, इसके कारण टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं, और संभावना ऐसी बताया जा रही है कि आगामी 15 दिनों तक और भी टमाटर के रेट में गिरावट की संभावना नहीं है। मैं टी श्रीनिवास रेड्डी, अध्यक्ष थोक सब्जी मंडी। लगातार फसल बहुत कमज़ोर है, सब जगह चारों दिशावर से भी माल जो आ रहा है कमज़ोर आ रहा है, आवक बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, उस वजह से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियाँ भी खाली खाली जा रही है, अभी आधे आधे आधा माल आ रहा है गाड़ियों में, जिससे भाड़ा भी लागत बढ़ जा रही है, माल बहुत कम है, मिल नहीं रहा है माल, आपूर्ति कम है, डिमांड ज़्यादा है, उस वजह से ये रेट बढ़ते जा रहा है। मैं हरीश कुमार बाबरिया, सचिव थोक सब्जी बाजार। क्या कहेंगे आप लोग खरीदी करने निकले महिलाएं नहीं दिख रही है सब्जी लेने आजकल? उसके पीछे कारण तो ये भी बढ़ती हुई महंगाई, और हर व्यक्ति का अपना अपना परिवार का एक बजट होता है, हम लोग सब अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक स्थिति है कि सब्जी हम खरीद लें तो कुछ पैसे इसी में बच जाए हमारे। महिलाओं क्या आती हैं खरीद के ले जाती हैं बस मतलब? महिलाएं जो आती हैं खरीद के ले जाती हैं तो अपने हिसाब से हफ्ते भर 15 दिन महीने भर की भी सब्जी ले लेती हैं, 20-20 दिन की सब्जी ले लेंगी, तो उससे क्या होता है कि बड़े हुए भावों में सब्जियाँ लेनी पड़ती हैं। टमाटर का रेट 120-130 रुपये किलो हो गया, हम तो 50 रुपये किलो के भी टमाटर खाते थे, तो आज भी 50 रुपये का ही ले लेते हैं, आधा किलो दे दे भैया इसी में काम चला लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि महंगाई को देखते और महिलाएं इसलिए इनको इसलिए नहीं भेजते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी खरीदी करके ना जाएं, ताकि हम अपने बजट में अपना काम चला सकें।
देख सकते हैं जिस सब्जी दुकान में मौजूद थे और यहाँ पे जितने भी खरीदी करने वाले लोग आए, ज़्यादातर पुरुष ही थे और उनसे बात कर रहे थे तो उनका यही कहना है कि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बजट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया और इसीलिए वो खुद खरीदी करने आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि महिलाएँ यदि खरीदी करने आती हैं तो वो हफ्ते भर की सब्जी या 10 दिन की सब्जी एक साथ खरीद के ले जाती हैं और बजट को नहीं देखती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसे की व्यवस्था पुरुषों को करनी रहती है और महंगाई के कारण अब वो खुद सब्जियाँ खरीदने निकल रहे हैं ताकि अपने बजट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सब्जी खरीदें। आप कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन IBC 24 रायपुर।